प्लस टू मैं कोटा से किया था और टेंथ में डीएवी पब्लिक स्कूल एसओसीपी ब्रजराजनगर से किया था। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल का जितना भी एफर्ट्स था उससे बहुत अच्छा आया मेरा रैंक। हाँ ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं थोड़ा डाउट था मुझे क्योंकि बहुत से बच्चे मतलब 11-12 करने के बाद 1 साल ड्रॉप लेके करते हैं, पर मैं 11-12 के साथ ही इसकी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा था और मैं 11-12 का थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देते हुए जेई की जो प्रिपरेशन थी उसको ज़्यादा फोकस में रख के उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था और इसके कारण अच्छा रिजल्ट आया। कोचिंग मैं एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट से किया था। मैं वैसे तो ऑफलाइन कोर्स के लिए मैं किया था, बट क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो उसके कारण 11 तो मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ा एंड फिर 12th में भी सेकेंड वेव ऑनलाइन करना पड़ा, उसके बाद मैं ऑफलाइन कंटिन्यू किया। काफ़ी ज़्यादा लगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत में आज तक कभी नहीं किया था और मुझे मतलब अराउंड 12 आवर्स ऑन एन एवरेज पढ़ना पड़ता था और जो भी डाउट्स होते थे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाता था, तो एक बार के लिए घबराहट होती थी कि अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो इसे कैसे करेंगे, लेकिन उस समय टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा और कभी भी डिमोटिवेशन लगता था या ऐसा लगता था कि मैं शायद ना कर पाऊँ तो कैसा होगा, तो घर का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। कभी भी दिक्कत आती थी तो मैं घर में बोल देता था और फरवरी के अराउंड भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पर उस समय मैं घर में बोला तो वो तुरंत उधर आ गए और सपोर्ट भी किया। घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट सभी किए हैं सपोर्ट वैसे तो, लेकिन हाँ मैं ज़्यादा बात पापा से करता था और कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उन्हें ही बताता। दिन में मैं ऑन एन एवरेज 12-13 आवर्स पढ़ रहा था और एग्ज़ाम से पहले थोड़े 14-15 आवर्स कर दिया था। आगे का मेरा है कि मैं टॉप 5 IITs जैसे कि दिल्ली, कानपुर या खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस ब्रांच को कंटिन्यू करना चाहूँ। उसके बाद मेरा है कि कंप्यूटर साइंस अगर मैं वहाँ से 4 ईयर्स तक कंप्लीट करने के कोई भी टेक कंपनीज को ज्वाइन करना चाहता हूँ और या फिर वहाँ से कुछ स्टार्टअप्स प्लान भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ जैसा मेरा इंटरेस्ट उसके बाद कैरी होगा। CS मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे रोबोटिक्स और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पे थोड़ा सा और काम करना है, उसमें थोड़ी सी और डेवलपमेंट आ सकती है और उसे काफ़ी मुझे एनहेंस करना है, जैसे मशीन्स को कैसे अपन कंप्यूटराइज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, उसमें मेरा इंटरेस्ट है और उसी सेक्टर में मुझे और डेवलपमेंट करना है। ये इंटरेस्ट मुझे 8-9 से ही था, जब मैं देखता था चीज़ों को ऑटोमेट हो रही थी उस समय काफ़ी सारी चीज़ें और सेंसर्स वगैरह मैं देखता था तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, हमारा टाइम बचा रहे थे और इसी से ही मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे इसमें काम करना है। और मैं देख रहा था उस समय गूगल और इस तरीके की भी ऐप्स आ रहे थे जो अपने आप ये डिसाइड कर लेते थे कि हम कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं और उसी हिसाब से फीड्स आते थे, तो जैसे कि हम जो भी देख रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते थे, तो उसी से मेरा इंटरेस्ट है। इंजीनियरिंग लाइन का मेरा इंटरेस्ट जब सबसे पहले मेरे पास जब मोबाइल आया था तब से था, मैं उसके पार्ट्स को देखता था और मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी ये, और 9-10 में मैंने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी करी तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही परस्यू करना है और फिर मैंने देखा कि इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट IITs अगर मैं उससे कंप्यूटर साइंस कर पाया तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी करें उसको पूरा अच्छे से करें और उसको अगर पूरा अच्छे से करें और पूरी मेहनत करें तो उसमें बहुत अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे टीचर्स को कहना चाहूँगा और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल आगे और काम करना है और मेहनत करनी है और मेहनत करके और जो मेरा इंटरेस्ट है, जो सेक्टर में मेरा इंटरेस्ट है उसे और डेवलप करने। बहुत खुशी हो रही है, बहुत मेहनत करा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, दिन में 12-14 घंटा पढ़ता था उसको IIT में बहुत इंटरेस्ट जी। वो 9-10 से स्टार्टिंग कर लिया था पढ़ाई अपने IIT की, उसको शौक था बहुत और वो बिना ड्रॉप लिए 12th कम्प्लीट कर लिया। वो बचपन से ही बहुत क्यूरियसिटी स्वभाव की थे और मतलब बचपन में जैसे कोई इलेक्ट्रिकल आइटम या कुछ मैकेनिकल आइटम देखते थे तो मतलब उसके पीछे उनकी जिज्ञासा हमेशा जगती रहती थी, तो वही चीज़ उनको मतलब ये IIT के लिए प्रेरित करी और उसमें आगे बढ़े। वो देखिए ये तो उसकी बहुत मेहनत थी और समय काफ़ी उसके लिए मुश्किल था, जो कोरोना का पीरियड था वहाँ उसको अपने घर में खाली बैठ के पढ़ना था, जहाँ से बाहर से कोई कनेक्शन नहीं था उसका, उसने मेहनत मतलब बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी है जो कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि हम लोगों ने कभी वैसी मेहनत देखी नहीं है। उसने बहुत मेहनत किया और वो उसके लिए डिजर्व करता है। उनका एक ही मोटिव था, मेरे को पढ़ना है और मेरे को ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है और कुछ अच्छा करना है, ये उनका मोटिव रहा शुरू समय से। तो पूरा भरोसा था उसकी मेहनत, जैसे मैंने देखी थी कि जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा है और उसकी मतलब कॉन्सेप्ट मैंने जो देखा कि उसका कॉन्सेप्ट जो विषय को पकड़ने के पीछे है वो बहुत अच्छा था, मुझे एटलीस्ट उस पर पूरा भरोसा था कि वो कर सकता है।
वो जो किया मतलब बहुतों के लिए एक तो शिक्षा है कि अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी और डेडिकेशन पूरा देना पड़ेगा। जूली अग्रवाल, मैं लक्ष्य की मम्मी हूँ। लक्ष्य सभी यही क्लियर कर सकते हैं।